Very good evening to all of you. Welcome to LearnX Nursing. This is Nikita here from LearnX Nursing. In last class, in part 1, I had discussed with you all about DSSSB previous year question paper. DSSSB previous year question or previous year paper has been conducted on 29th August and 28th August. Okay, I'm discussing with you all 29th August ka paper 2019 ka, jo ki do shift mein hua tha, shift 1 and shift 2. I'm discussing about shift 1 ka paper, theek hai? Part 1 already maine complete kiya jisme total 30 questions the, and now part 2 jo hum 31 number of questions se start karenge, total 35 questions hum aaj karenge, theek hai? Aur jo next DSSSB ki previous year question ke related jo video aayegi usme aapka part 3 hoga. इस तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में आपके टोटल 100 जो नर्सिंग के क्वेश्चंस DSSSB के 2019 के शिफ्ट 1 में जो पेपर आया था वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द अपकमिंग DSSB एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा हुआ है देखिए. ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास आर यूजुअली इंसिडेंटली ड्यूरिंग क्लिनिकल और सेल्फ एग्जामिनेशन एंड आर यूजुअली लोकेटेड इन द. आपको क्वेश्चन पूछा गया है ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमास पर. ठीक है, क्या होता है ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमास? दीज आर नॉन कैंसरस ब्रेस्ट ट्यूमर, नॉन कैंसरस ब्रेस्ट ट्यूमर्स. ओके, दे मोस्ट कॉमनली ऑकर्स इन द यंग वुमेन. ठीक है, तो ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमास जो कि नॉन कैंसरस ब्रेस्ट ट्यूमर्स होती है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन या सेल्फ एग्जामिनेशन जब आप करेंगे तो आपको उसकी लोकेशन कहाँ फील होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है. डायरेक्टली पूछा जाए तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमास की लोकेशन. ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, अपर इनर क्वेड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट, लोअर आउटर क्वेड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट, लोअर इनर क्वेड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट, अपर आउटर क्वेड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट. ठीक है, मीन्स UIQ, LOQ, LIQ एंड UOQ. ठीक है, ये इसलिए क्योंकि मुझे आपको जो अभी एक्सप्लेन करना है उसके लिए ये काम आएगा. ठीक है, समझिए ये ब्रेस्ट का डायग्राम हो गया. ठीक है, दिस इज निप्पल एंड दिस इज द पार्ट ऑफ एरियोला. ठीक है, इस तरीके से फोर क्वेड्रेंट में जो ब्रेस्ट है वो डिवाइड होती है. ठीक है, ये कौन सा पार्ट होता है, अपर आउटर क्वेड्रेंट एंड दिस इज लोअर आउटर क्वेड्रेंट. ठीक है, दिस इज अपर इनर क्वेड्रेंट एंड दिस इज लोअर इनर क्वेड्रेंट. ठीक है, अब देखिए ये जो अपर आउटर क्वेड्रेंट का पार्ट होता है दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट और मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, फॉर द ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमास. सिंपल भाषा में कहें तो ब्रेस्ट के जितने भी ट्यूमर्स होते हैं वेदर इट इज कैंसरस और नॉन कैंसरस उनके लिए जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है अपर आउटर क्वेड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट. ठीक है, सो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज अपर आउटर क्वेड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट इज द लोकेशन वेयर ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमास आर यूजुअली इंसिडेंटली ड्यूरिंग द क्लिनिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन द फीमेल हैज बीन फील्ड इट आउट. ओके, ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सिचुएशन इन विच अ फैमिली और इंडिविजुअल्स बैलेंस इज डिस्टर्बेड. ठीक है, एक सिचुएशन की वजह से एक फैमिली में या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जो उसका बैलेंस है, ये बैलेंस नॉर्मल उसका जो लाइफ बैलेंस होता है वो भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ का बैलेंस हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस हो सकता है, इमोशनल बैलेंस हो सकता है, ये डिस्टर्ब्ड हो चुका है. डिस्टर्ब यानी डिस्टर्ब हो गया है एंड अब वो जो फैमिली है या इंडिविजुअल है दैट रिक्वायरिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू कोपिंग स्ट्रेटेजीज इज कॉल्ड. ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, क्राइसिस, स्टैग्नेशन, ट्रांसिशन या फिर स्ट्रेटेजीज. सी, ट्रांसिशन मतलब कोई चेंज नहीं, स्ट्रेटजीज मतलब क्या होता है, कुछ नई नई चीजें, नई नई स्ट्रेटजीज बनाना किसी पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, तो ये भी नहीं. यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन पूछी है जिसमें फैमिली और एक इंडिविजुअल का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और अब उसको नई
कोपिंग स्ट्रैटेजीज खुद के अंदर डेवलप करने की जरूरत है, मतलब कि उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, ठीक है, जिसको फेस करने के लिए उसको अपने अंदर न्यू कोपिंग, मतलब कि उस चीज से लड़ने के लिए, उस चीज को फेस करने के लिए स्ट्रैटेजीज अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है. और ऐसी कौन सी कंडीशन होती है? यस, इट इज क्राइसिस. ठीक है, सो दिस इज द क्राइसिस. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? क्राइसिस सिचुएशन. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ऑटोसोमल रिसेसिवली इनहेरिटेड डिजीज, ठीक है, एक ऑटोसोमल रिसेसिवली इनहेरिटेड डिजीज है, यानी जेनेटिक डिजीज है, दैट हैज बीन मैप्ड टू अ क्रोमोसोम नंबर 11 इज कॉल्ड. एक ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिजीज है जो कि क्रोमोसोम 11 पर प्रॉब्लम होने के वजह से होता है. ठीक है, देखिए ऑप्शंस दिए हैं, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, वॉन हिपल लिंडाउ डिजीज, एटेक्सिया टेलेंजेक्टेशिया, या फिर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस. देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, दीज ऑल आर द ट्यूमर्स, दीज ऑल आर द ट्यूमर्स. ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में किसी ना किसी प्रकार का ट्यूमर बना होता है. वॉन हिपल लिंडाउ डिजीज जो है वो हिमेंजियोब्लास्टोमास जो होते हैं, ठीक है, ब्लड के जो ट्यूमर्स होते हैं वो होते हैं. ठीक है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस मतलब कि ब्रेन के हो गए, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस हो गए, ठीक है, ये ऑल्सो माइलिन शीट्स में हो गए. सो दीज ऑल आर द ट्यूमर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, अब इसमें से ये जो एटेक्सिया टेलेंजेक्टेशिया बच गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारी एक ऐसी ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिजीज है जो कि एक एटीएम नाम की जीन होती है. ठीक है, एटीएम दैट इज एटेक्सिया टेलेंजेक्टेशिया म्यूटेड जीन, ठीक है, म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है, और क्या कॉज करती है? एन ऑटोसोमल रिसेसिवली इनहेरिटेड डिजीज, जिसे हम क्या कहते हैं? एटेक्सिया टेलेंजेक्टेशिया. ठीक है, तो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कंडीशन जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 में प्रॉब्लम होने की वजह से होती है, वो होती है एटेक्सिया टेलेंजेक्टेशिया. ये क्यों होता है? बिकॉज एटीएम नाम की एक जीन होती है जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होती है और ये एबनॉर्मलिटी को कॉज करती है. ठीक है, ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर व्हेन अ सिंगल जीन इन द हेटरोजाइगस स्टेट इज अ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फिनोटाइप. आपको एक ऐसा डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करना है जिसमें सिंगल जीन इन हेट्रोजाइगस स्टेट, मतलब क्या है? एक ऐसी, मतलब वी कैन से कि ऐसी एक सिंगल जीन एक हेट्रोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट है. हेट्रोजाइगस मीन्स प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एलेल एट ए पर्टिकुलर जीन. एक ही जीन में दो अलग अलग प्रकार के एलेल्स या फिर स्पेसीज से बनी हुई जीन. ठीक है, अ सिंगल जीन इन द हेट्रोजाइगस स्टेट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फिनोटाइप. ठीक है, और ऐसे डिसऑर्डर में जो कि कैपेबल है प्रोड्यूसिंग अ फिनोटाइप, तो इसका आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर. ठीक है, बिकॉज ये ऐसा कंडीशन, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेड डिसऑर्डर. ठीक है, दिस इज ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिसऑर्डर. सी, यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेड डिसऑर्डर. ठीक है, आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर व्हेन अ सिंगल जीन इन अ हेट्रोजाइगस स्टेट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फिनोटाइप इज ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेड डिसऑर्डर. ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस है वो इसके आंसर्स नहीं बनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कैंसर दैट हैज मेटास्टेसाइज टू अदर बॉडी ऑर्गन, कैंसर है जो कि स्प्रेड हो रहा है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट पर, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, इज प्रेजेंटेड एट व्हाट स्टेज इन क्लासिफाइंग ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, इट इज ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर है. ठीक है, आपको यहाँ पे सीधा ये पूछा गया है कि कौन से स्टेज ऑफ कैंसर में जो कैंसर है वो स्प्रेड होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में. यस, इट्स करेक्ट आंसर इज स्टेज फोर, क्योंकि स्टेज फोर में क्या होता है? स्प्रेड आउट होता है कैंसर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, यानी कि मेटास्टेसाइज होता है. ठीक है,
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कंडीशन इन विच देयर इज एन इनएडिक्वेट कंजम्पशन, पुअर एब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड. आपसे एक ऐसी कंडीशन पूछी गई है जहां पे इनएडिक्वेट कंजम्पशन, जितना उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे कई गुना ज्यादा कम कंज्यूम कर रहा है, कम खा रहा है, पुअर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का जो है कंप्लीटली पुअर एब्जॉर्प्शन है, और जो न्यूट्रिएंट्स अगर वो थोड़े बहुत खा भी रहे तो उसका बहुत एक्सेसिवली लॉस है उसकी बॉडी से. ऐसी कंडीशन को आप क्या कहेंगे, मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, एक्सेस न्यूट्रिशन या फिर ओवर न्यूट्रिशन. से ये दोनों ही जो कंडीशन हमको बताइए एक्सेस और ओवर की तो नहीं बनती, ठीक है. अंडर न्यूट्रिशन मतलब क्या है, जो बेसलाइन हेल्दी स्टेटस होता है उससे थोड़ा कम, ठीक है. अंडर न्यूट्रिशन में सिर्फ इनसफिशियंट इनटेक ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, जो कि एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो सफिशियंट रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो फुलफिल ना होना इज अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है. बट जो सिचुएशन हमको क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज अ कंडीशन इन विच देर इज इनएडिक्वेट कंजम्पशन, पुअर एब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज मैल न्यूट्रिशन की कंडीशन, ठीक है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नॉसेट 7 आरआरबी एसजीपीजीआई एनवीएस जिपमर डीएमआर डीएचएस दिस ऑल एग्जाम्स आर अपकमिंग, ठीक है. एंड ये आप सभी को ऑल इन वन कोर्सेज जो है लर्न एक्स नर्सिंग के प्लेटफॉर्म में एक साथ मिलेंगे. सारे ही एग्जाम्स के लिए कोर्सेज क्या क्या मिलेगा आपको, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है, कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, डेली टेस्ट सीरीज मिलेंगे जिसमें आपको लाइव रैंक बताया जाएगा, एप्टीट्यूड एंड मैथ्स डायरेक्टली नॉन नर्सिंग क्लासेस भी कंडक्ट किए जाएंगे, और आपको एक बेनिफिट है कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, दोज हु आर वर्किंग इन हॉस्पिटल्स और इन एनी एरियाज दे ऑल्सो कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है. और ये कब से स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम 10th ऑफ जुलाई से, ठीक है. इसकी वैलिडिटी क्या है, कंप्लीट 1 ईयर, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज हरी अप एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड प्लीज जॉइन टू द लर्न एक्स नर्सिंग प्लेटफॉर्म फॉर योर अपकमिंग बेस्ट फ्यूचर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स टेकिंग एक्सरे पिक्चर्स of the bare breast. Bare breast means what? Unclothed breast, nude breast, while they are compressed between two plastic plates. ठीक है, एक एक्सरे का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इस तरीके से दो प्लेट्स के बीच में बेयर ब्रेस्ट को रखा गया है, ठीक है. यहाँ पे फीमेल है एंड दिस काइंड ऑफ बेयर ब्रेस्ट दो प्लेट्स के बीच में है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऐसे प्रोसीजर को क्या कहते हैं. फाइन नीडल एस्पिरेशन, स्टीरियोटैक्टिक नीडल गाइडेड बायोप्सी, मेमोग्राफी, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी. Yes, the correct answer is mammography. Mammography में ये ऐसे जो एक्सरे है लिया जाता है जिसमें बेयर ब्रेस्ट को जो है दो प्लेट्स के बीच में रखा जाता है, ठीक है. मेमोग्राफी क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग लो एनर्जी एक्सरे टू एग्जामिन द ह्यूमन ब्रेस्ट फॉर डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग. मेमोग्राफी के थ्रू जो ह्यूमन ब्रेस्ट होती है उसको डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग पर्पस के लिए एग्जामिन किया जाता है. क्या गोल होता है इस मेमोग्राफी का, टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ अ पैथोजन और परफॉर्म एंटीबॉडीज टू एलिसिट एन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज इज कॉल्ड. आपसे पूछा है कि किसी पर्टिकुलर पैथोजन का पार्ट या फिर कंप्लीट पैथोजन या फिर कोई एंटीबॉडी को एडमिनिस्टर करना एक इंडिविजुअल में उसका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस के ऊपर रिएक्शन देखने के लिए, रिस्पांस देखने के लिए, साथ ही साथ ऐसा करने से हमको डिजीज से भी बचाया जाएगा, ऐसे सिचुएशन को या ऐसे चीज को क्या कहते हैं, ठीक है. क्या पूछा है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ अ पैथोजन और परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज टू एलिसिट एन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज इज कॉल्ड. सीरो प्रोटेक्शन, सीरो कन्वर्जन, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और इम्यूनाइजेशन. यस, जहां पर भी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज आता है या प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज आता है, द आंसर विल ऑलवेज बी इम्यूनाइजेशन और वी कैन से वैक्सीनेशन, ठीक है. ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. History that includes a menstrual, obstetric and gynecological history is called reproductive history. Reproductive history में menstrual, obstetric and complete gynecological history जो है female की पूछी जाती है, ठीक है.
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विथ अ चेंज इन यूटेराइन शेप फ्रॉम डिस्कॉइड टू ग्लोबुलर ओवॉइड, अ सडन गश ऑफ डार्क ब्लड फ्रॉम द वजाइनल ओपनिंग, द बर्थ ऑफ द न्यू बॉर्न एंड द स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. देखिए टोटल ना 3 स्टेजेस ऑफ लेबर होते हैं. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स. ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड डिलीवरी ऑफ फीटस. फीटस यानी कि जो बेबी है उसकी डिलीवरी यहां हो जाती है. थर्ड में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा. ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा. सो हियर व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज द बर्थ ऑफ द न्यू बॉर्न. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कब बंद होती है, कब खत्म होती है, किसके साथ एंड होती है, दैट इज द बर्थ ऑफ द न्यू बॉर्न. ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द प्यूरल सैक, दैट इज टू ड्रेन फ्लूइड और आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड निकाला जा रहा है प्यूरल सैक से यानी कि प्यूरल कैविटी यानी कि लंग्स से. ठीक है, टू ड्रेन द फ्लूइड ताकि वो फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा का वो बाहर आ जाए, या फिर उस फ्लूइड के अंदर जो कंटेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, थोरा सेंटेसिस, विलस सैम्पलिंग, एमनियोसेंटेसिस या फिर पेरिकार्डियोसेंटेसिस. सी पेरिकार्डियोसेंटेसिस इज डन फॉर द पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट, एमनियोसेंटेसिस और विलस सैम्पलिंग इज डन इन प्रेग्नेंट लेडीज. ठीक है, सो ये जो थोरैकोसेंटेसिस या फिर थोरासेंटेसिस, इसी को हम कहते हैं थोरैकोसेंटेसिस. ठीक है, और भी इसे कहा जाता है प्लूरल टैपिंग. ठीक है, और इसे कहा जाता है नीडल डीकंप्रेशन. ठीक है, इसे प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, फ्लूइड को प्लूरल कैविटी से बाहर निकालते हैं. ये एक इन्वेसिव मेडिकल प्रोसीजर है टू रिमूव द फ्लूइड और एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस और द प्लूरल कैविटी फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक प्रोसेस. ठीक है, सो द रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल सैक टू ड्रेन फ्लूइड और आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड एज थोरासेंटेसिस और थोरैकोसेंटेसिस, प्लूरल टैप और नीडल डीकंप्रेशन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइब्रेशन ऑफ वेल्व. ठीक है, वेल्व जो होती है हार्ट की उनका वाइब्रेशन एंड वेंट्रिकल वॉल्स. वाइब्रेशन हो रहा है वेल्व्स का, वेंट्रिकल की वॉल्स का. ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग व्हेन द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोड्यूसेस द. यहाँ पे ये पूछा गया है जब वेल्व्स और वेंट्रिकुलर वॉल्स ऑफ हार्ट जब वाइब्रेट हो रही थी, सेकेंड फेज ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग. वेंट्रिकुलर फिलिंग के दो फेज होते हैं, एक होता है अर्ली फेज, एक होता है सेकेंड फेज जिसको हम लेट फेज भी बोलते हैं. ठीक है, अर्ली फेज में कौन सा हार्ट साउंड बनता है, दैट इज थर्ड हार्ट साउंड. ठीक है, और सेकेंड और लेट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग जबकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तब कौन सा हार्ट साउंड बनता है, दैट इज फोर्थ हार्ट साउंड. ठीक है, सो जब वाइब्रेशन ऑफ वेल्व एंड वेंट्रिकुलर वॉल्स ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ वेंट्रिकल फिलिंग व्हेन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स दे विल प्रोड्यूस द फोर्थ हार्ट साउंड. ओके, क्लियर टू एवरीवन? ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय पेरोक्सिज्मल कफ. इस पेरोक्सिज्मल कफ को वूपिंग कफ भी कहा जाता है एंड कॉपियस सिक्रीशन यानी कि थिक सिक्रीशन इज कॉल्ड एज, यस इट इज पर्टुसिस, बिकॉज जहां पे भी वूपिंग कफ आता है वूपिंग कफ का ही दूसरा एक नाम और होता है, दैट इज पर्टुसिस एंड पेरोक्सिज्मल कफ. सो करेक्ट आंसर विल बी पर्टुसिस. ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स नॉट इन्वॉल्व. ठीक है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स नॉट इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा आर कॉल्ड. आपको पूछा है कि देखो अस्थमा कॉज करने के लिए कुछ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो है वो उसमें एड ऑन होते हैं, तो अस्थमा कॉज करने के लिए कौन से इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स एड नहीं होते हैं. ठीक है, दैट इज ल्यूकोट्रिन, एड्रिनलिन,
हिस्टामिन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। सी, जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं जो कि पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा करते हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स विच कॉज पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा आर हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, काइनिन्स, काइनिन्स के ही अंदर में आता है साइटोकाइनिन्स, कीमोकाइनिन्स और एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखिए ल्यूकोट्रिन्स भी सही है, हिस्टामिन भी है, प्रोस्टाग्लैंडिन, बट एड्रिनलिन जो है वो कोई ऐसा इंफ्लामेटरी मेडिएटर नहीं है जो कि पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा में साथ देता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्युमुलेशन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर प्लूरल कैविटी में पस भर गया तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे? यस, इट इज एम्पायमा। एम्पायमा इज द एक्युमुलेशन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी। हीमोथोरेक्स मीन्स वॉट? ब्लड। न्यूमो मीन्स फ्लूड एंड हाइड्रो मीन्स एयर एक्युमुलेशन इन द लंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस दैट ऑकर्स व्हेन अ प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ द बोवेल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेलीस्कोप्स इनटू अ मोर डिस्टल सेगमेंट। देखो क्या हो रहा है ना, प्रॉक्सिमल एक बोवेल है यानी इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसका प्रॉक्सिमल पार्ट और उसका डिस्टल पार्ट दोनों एक दूसरे में फंस जा रहे हैं, मतलब एक इंटेस्टाइन का पार्ट दूसरे इंटेस्टाइन के पार्ट में आपस में फंस जा रहा है टेलीस्कोप की तरह, ठीक है, और ऐसा होने से क्या हो रहा है? एडिमा हो रहा है, वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज यानी कि वैस्कुलर का कंजेशन हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है वहां पे? दिस इज अल्टीमेटली, ओके, दिस इज अल्टीमेटली वहां पे पार्शियल या फिर कंप्लीट बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है? यस, इंट्रोससेप्शन। इंट्रोससेप्शन में क्या होता है? एक इंटेस्टाइन का दूसरे इंटेस्टाइन में फंस जाना या फिर एक इंटेस्टाइन के पार्ट का दूसरे इंटेस्टाइन के पार्ट में टेलीस्कोप की तरफ फंस जाना, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? इंट्रोससेप्शन, जिसमें पार्शियल और कंप्लीट बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज होता है, एडिमा होता है। ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी इंट्रोससेप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, वेरी इजी क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम। आउटर मोस्ट क्या होती है? पेरिकार्डियम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एपिकार्डियम और द विसरल एपिकार्डियम, ठीक है, मिडल लेयर को हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियम, ठीक है, और इनर लेयर को क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। आउटर लेयर का नाम लिख लीजिए, आउटर लेयर में क्या होता है उसको हम कहते हैं एपिकार्डियम या फिर विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स दैट हेल्प इन रिसीविंग सिग्नल्स। सबको पता है न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, ठीक है, न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, ठीक है, तो न्यूरॉन का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो सिग्नल को रिसीव करने में हेल्प करता है? सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, सॉरी टर्मिनल्स या फिर डेंड्राइट्स। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये कोई सिग्नल रिसीव करने में हेल्प नहीं करते। एक्सॉन क्या करता है? सेंड मैसेज, ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को, ये तो भेजता है, रिसीव नहीं करता। टर्मिनल क्या करते हैं? रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये टर्मिनल्स क्या करते हैं? रिलीजेस द न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, बट हमको क्या पूछा गया है? ऐसा स्ट्रक्चर न्यूरॉन का जो कि सिग्नल्स यानी मैसेजेस को रिसीव करता है। यस, दिस करेक्ट आंसर इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स पार्ट ऑफ द न्यूरॉन हेल्प्स इन रिसीविंग सिग्नल। एक्सॉन क्या करता है? मैसेजेस भेजता है। सेल बॉडी में क्या होता है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और टर्मिनल्स क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज आउट करवाते हैं, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट्स मेडिकेशन इनटू। क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपने सबक्यूटेनियसली मेडिसिन दी तो वो कौन सी लेयर ऑफ स्किन में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, फैटी लेयर में, एपिडर्मिस में, वीनस में या फिर मसल में। सी, अगर हम लेयर ऑफ स्किन देखते हैं,
फर्स्ट क्या आता है? एपिडर्मिस, देन क्या आता है? डर्मिस, उसके बाद क्या आता है? सबक्यूटेनियस फैट, और इसके बाद क्या आता है? मसल्स, एंड देन कम बोन. ये जो सबक्यूटेनियस है ये क्या होता है? फैट में एडमिनिस्टर करता है. इट मींस अगर सबक्यूटेनियसली हमने कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर की तो वो कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? इनटू द फैटी लेयर्स ऑफ द स्किन. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इन द ब्रेन आर डिटेक्टेड बाय. ठीक है, ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? देखिए ऑप्शन क्या दिया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम, नर्व कंडक्शन स्टडी या फिर इलेक्ट्रोमायोग्राम. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्यों करते हैं? दैट इज ईसीजी फॉर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. ठीक है, नर्व कंडक्शन स्टडी क्यों करते हैं? एनवीएस देखने के लिए, नर्व स्टडीज के लिए. ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं होता. इलेक्ट्रोमायोग्राम क्यों करते हैं? फॉर मसल्स, मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए. और ये जो इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम होता है, ठीक है, जिसको हम ईईजीबी कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम, दिस आर यूज्ड इन द ब्रेन टू डिटेक्ट एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज. ठीक है, इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ मॉइस्ट हीट, ठीक है, इज इंसिनरेशन, स्टीम अंडर प्रेशर, हॉट एयर ओवन या फिर फ्लेमिंग. देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन से, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन से. ठीक है, जो डिवाइड होता है दो में, एक होती है ड्राई हीट और एक होती है मॉइस्ट हीट. ठीक है, ड्राई हीट में कौन से मेथड्स आते हैं? दैट इज फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और एक आता है दैट इज हॉट एयर ओवन. ठीक है, ये सारे मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है. मॉइस्ट हीट में क्या आता है? पास्चराइजेशन. ठीक है, और आता है बॉइलिंग और आता है ऑटोक्लेव, जिसको हम ये भी कहते हैं स्टीम अंडर प्रेशर. और टेम्परेचर कितनी होती है इसकी? अबव 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो एग्जाम्पल ऑफ मॉइस्ट हीट क्या हो जाएगा? स्टीम अंडर प्रेशर, दैट इज ऑटोक्लेव विच यूजेस द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस. इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन एंड फ्लेमिंग, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ड्राई हीट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस गैंग्रीन इज एसोसिएटेड विद क्लॉस्ट्रिडियम नोवाय, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी, क्लॉस्ट्रिडियम हिस्टोलिटिकम और क्लॉस्ट्रिडियम परफिरेंजेस. यस, द करेक्ट आंसर इज क्लॉस्ट्रिडियम परफिरेंजेस. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गैस गैंग्रीन इज एसोसिएटेड विद क्लॉस्ट्रिडियम परफिरेंजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल सेफ्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का शेप पूछा है कि स्फेरिकल शेप वाले बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? सी, बैसिलाई, विब्रियोज, स्पाइरिला और कोकाई. जो बैसिला होती है वो कैसे शेप की होती है? रॉड शेप्ड. ठीक है, विब्रियोज कैसी होती है? कर्व्ड रॉड शेप्ड. ठीक है, कर्व्ड रॉड शेप्ड या फिर कह सकते हैं इस तरीके से कोमा शेप्ड. ठीक है, स्पाइरिला कैसी होती है? कर्व शेप की. और कोकाई कैसे होते हैं? दिट्स आर स्फेरिकल शेप. सो योर करेक्ट आंसर विल बी कोकाई. स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज कोकाई टाइप ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालिसिस ऑफ ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज आर कॉल्ड. पैरालिसिस, चारों भी एक्सट्रीमिटीज की, दोनों अपर लिम्स एंड दोनों लोअर लिम्स की कंडीशन को क्या कहते हैं? क्वेड्रीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया या फिर पैराप्लेजिया. सी, जो क्वेड्रीप्लेजिया होते हैं इसमें फोर लिम्स पैरालिसिस होता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, हेमीप्लेजिया में क्या होता है? हाफ बॉडी. मोनोप्लेजिया में क्या होता है? सिंगल लिम. और पैराप्लेजिया में क्या होता है? लोअर बॉडी पार्ट, यूजुअली लोअर बॉडी पार्ट होता है, मतलब हाफ बॉडी पार्ट बोल सकते हैं. ठीक है, लोअर बॉडी पार्ट.
पैरालिसिस ऑफ ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज आर कॉल्ड एज क्वेड्रीप्लेजिया, दैट इज फोर लिम पैरालिसिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. करंट रिकमेंडेशन फॉर फर्स्ट मम इम्यूनाइजेशन इज बिटवीन. आपको पूछा है कि अगर मम्स हो जाता है तो फर्स्ट टाइम आप जो इम्यूनाइजेशन देंगे वो कौन से टाइम पीरियड के बीच में देंगे, 8 to 11 months, 12 to 15 months, 2 to 4 month या फिर 16 to 18 month. देखिए, जो मम्स होता है उनको हम साथ में कहते हैं पेरोटाइटिस. क्यों पेरोटाइटिस? बिकॉज दिस आर कॉन्टेजियस. ठीक है, इन्फेक्शियस, कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन. ठीक है, कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन एफेक्ट्स पैरोटिड ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, तो फर्स्ट जो हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं मम्स के लिए, दैट वी आर गिवन इन बिटवीन 12 to 15 months. ठीक है, 12 to 15 months. और जो सेकेंड डोज होता है वो कब देते हैं, दैट इज बिटवीन 4 to 6 years ऑफ एज. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्ट्रोक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सिंपल, वेरी सिंपल, पेरी स्ट्रोक को क्या कहते हैं? स्ट्रोक का मतलब क्या होता है अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो, लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू पार्ट ऑफ द ब्रेन विच डैमेज ब्रेन टिश्यू. ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू पार्ट ऑफ द ब्रेन विच डैमेजेस ब्रेन टिश्यू. ठीक है, ये होता है स्ट्रोक. तो स्ट्रोक को और क्या कहते हैं? पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट. यस, स्ट्रोक इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट्स. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेजली एडमिनिस्टर मेडिकेशंस आर टिपिकली, अगर आप नोज के थ्रू नेजल एडमिनिस्ट्रेशन कोई मेडिकेशन कर रहे हैं तो वो कौन से मेडिसिन होते, कौन से फॉर्म में करते हैं? टैबलेट्स को क्रश करके डालते हैं, ओपन कैप्सूल करते, कैप्सूल्स को ओपन करके, लिक्विड फॉर्म की मेडिसिन या फिर ड्रॉप्स? यस, द करेक्ट आंसर इज ड्रॉप. नेजली एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशंस आर टिपिकली दी ड्रॉप्स. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द बैक्टेरियाज विच डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, बैक्टेरिया है जो अपनी एनर्जी सनलाइट के थ्रू बनाते हैं, ऐसे चीजों को या ऐसे बैक्टेरियाज को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ, कीमोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ या फोटोट्रॉफ. सी, ऑटोट्रॉफ मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड. ऑटो से ही समझ में आ रहा है, अपने आप से. ठीक है, प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड. कीमोट्रॉप्स में क्या होता है? बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस. हेटरोट्रॉफ में क्या होता है? ईट अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे को खाकर अपनी एनर्जी बनाएंगे. ठीक है, ईट अदर ऑर्गेनिजम्स. और फोटोट्रॉप्स में क्या होता है? फ्रॉम सनलाइट, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया, दैट इज बैक्टीरिया विच डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट आर कॉल्ड एज फोटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? खुद का खाना बनाते हैं और उसी फूड से जो है उस खाने से अपनी एनर्जी बनाते हैं. कीमोट्रॉफ्स क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करते हैं और एनर्जी फॉर्म करते हैं. हेटरोट्रॉफ क्या करते हैं? अदर ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और अपना जो एनर्जी है वो डिराइव करते हैं. और फोटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? सनलाइट यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ प्रोसेस करके अपने लिए एनर्जी डेवलप करते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्फेक्शन ऑफ द बोन इज कॉल्ड, आपको पूछा है बोन के इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस या फिर ऑस्टियोपोराइसिस. देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस की अगर बात करते तो ये क्या होता है? वीक बोन, या फिर और कहूं मैं तो डी मैच्यूरेशन ऑफ बोन. जो मैच्योर बोन थी उसका डी मैच्यूरेशन हो जाना, बोन का टूटना, बोन का वीक हो जाना. तो यहां तो कोई इन्फेक्शन नहीं दिख रहा. ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, कॉन्ड्राइटिस का मतलब क्या होता है? जो सेगमेंट ऑफ बोन होती है वो और लिगामेंट के बीच में गैप आना. ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस मतलब होता है जो सेगमेंट होती है बोन की उसमें और जो कार्टिलेज है बोन के पास उसके बीच में गैप्स आना. ठीक है, देन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट इन द बोन, बोन के बीच के जो जॉइंट है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना. और ऑस्टियोमाइलाइटिस हम किसके लिए यूज करते हैं?
फॉर इन्फेक्शन ऑफ द बोन. अगर किसी बोन में इन्फेक्शन है तो वी आर यूजिंग द वर्ड विच इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमाइलाइटिस. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन लंबर पंक्चर अ स्पाइनल नीडल इज इंसर्टेड इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस बिटवीन द लेवल. लंबर पंक्चर किया जा रहा है, स्पाइनल नीडल इंसर्ट कर रहे हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस में, तो कौन से लेवल पे वो नीडल हम एड ऑन करते हैं या इंसर्ट करते हैं. दैट इज L4 और L5, C1 टू C2, T1 टू T10 टू T12 और S4 टू S5. हम कभी भी लंबर पंक्चर करने के लिए S4 S5 यानी कि सैक्रम एरिया में नीडल इंसर्ट नहीं करते, थोरैसिक में भी इंसर्ट नहीं करते, क्योंकि हमको लंबर पंक्चर करना है. ठीक है, लंबर एरिया, ये लंबर से ही पता चल रहा है, और ना ही सर्वाइकल में. वी आर ऑलवेज डूइंग एट L4 टू L5 के लेवल पे जो है हम नीडल इंसर्ट करेंगे इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस फॉर द प्रोसीजर ऑफ लंबर पंक्चर. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड अदर फ्यूल इन हाउसेस एंड इन फैक्ट्रीज इज कॉल्ड. बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल, अदर फ्यूल्स, घर में और फैक्ट्रीज में जो होता है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कन्वेंशन, रेडिएशन, कंबशन या कंडक्शन? यस, द करेक्ट आंसर इज कंबशन. ठीक है, जब बर्निंग ऑफ कोल होता है, ऑयल होता है, अदर फ्यूल्स होते हैं घर में या फैक्ट्रीज में, तो कंबशन जो है उस प्रोसेस को कहते हैं. रही बात कन्वेक्शन की, रेडिएशन की या फिर कंडक्शन की, ये क्या है? मेथड्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन या फिर हीट रेगुलेशन. ठीक है, ये यूजुअली हम पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ हीट रेगुलेशन. ठीक है, सो बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड अदर फ्यूल्स इन हाउसेज एंड इन फैक्ट्रीज इज कॉल्ड एज कंबशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट इन्वॉल्व. आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट दिए हुए बता रहे हैं कि इसमें से एक पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं है. जेजुनम, डिओडेनम, इलियम या फिर सीकम. सबसे पहले क्या आता है? डिओडेनम. डिओडेनम के बाद क्या आता है? जेजुनम. जेजुनम के बाद क्या आता है? इलियम. ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो जाता है सबसे फर्स्ट? दिस इज डिओडेनम, दिस इज जेजुनम एंड दिस इज इलियम. ठीक है, सो ये जो सीकम पार्ट है ये क्या होता है? ये जस्ट लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो कोलोन है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको कनेक्ट करता है. ठीक है, तो सीकम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता है. ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉमनली एनकाउंटर्ड इन चिल्ड्रन. वेरी इजी क्वेश्चन. आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा डिजीज कंडीशन है जो कि कॉमनली बच्चों में नहीं होता है. डायरिया, पार्किंसनिज्म, वूपिंग कफ और मीजल्स. देखिए, डायरिया होता है, वूपिंग कफ भी होता है, मीजल्स भी होते हैं, बट जो पार्किंसनिज्म है वो अडल्ट्स में होता है, यूजुअली 55 टू 60 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में, अडल्ट एज ग्रुप में जो है ये पार्किंसनिज्म होता है, ये बच्चों में नहीं दिखता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंडोमेट्रियम बिकम्स थिकेंड. जो एंडोमेट्रियम है, इनर लेयर ऑफ द यूट्रस, वो थिक हो रही है एंड मोर वैस्कुलर एंड ग्लैंडुलर ड्यूरिंग द. कौन से ऐसे टाइम पीरियड में ये एंडोमेट्रियम बहुत थिक होती है, बहुत ज्यादा इसमें वैसल्स आ जाते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स आ जाते हैं? एट फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज या फिर सिक्रीटरी फेज. सी, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकल्स. पर हमको क्या पूछा है? एंडोमेट्रियम थिक और वैस्कुलर और ग्लैंडुलर होता है. प्रोलिफरेटिव फेस में क्या होता है? सिर्फ एंडोमेट्रियम थिक होती है. ठीक है, ओनली थिकनेस होती है, वैस्कुलर और ग्लैंडुलर नहीं होती है. ओविलेटरी फेज में क्या होता है? ओविलेशन होता है. तो ये दो पॉइंट तो गए. सिक्रीटरी फेज में क्या होता है? थिकेंड भी होती है, वैस्कुलर भी होती है एंड ग्लैंडुलर भी होती है. सो अवर करेक्ट आंसर विल बी सिक्रीटरी फेज. सिक्रीटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? एंडोमेट्रियम थिक होता है, वैस्कुलर होती है और ज्यादा ग्लैंडुलर होती है. ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज में सिर्फ एंडोमेट्रियम थिक होता है. क्लियर? ओके, द लास्ट क्वेश्चन. द स्ट्रक्चर इन फीमेल विच इज होमोलोगस टू टेस्टिस. आपसे फीमेल ऑर्गन में, फीमेल जेनाइटल सिस्टम में, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेम है फंक्शनल में रिलेटेड टू टेस्टीज, दैट इज जो कि मेल ऑर्गन है.
क्या होगा? ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स या फेलोपियन ट्यूब। सी, टेस्टीज क्या करते हैं? दीज आर मेल गोनैड्स। क्या बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब यहाँ पे यूट्रस, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब, दीज आर नॉट गोनैड्स। ओवरी क्या है? फीमेल गोनैड्स। क्या प्रोड्यूस करती है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, सो कौन सा स्ट्रक्चर है फीमेल में जो कि होमोलोगस होगा टेस्टिस से, जो कि मेल में होती है? दैट इज ओवरी। ठीक है, सो हियर वी एंड अप विद द DSSB पार्ट 2। टोटल वी हैड डन 35 क्वेश्चंस। नेक्स्ट रिमेनिंग 35 क्वेश्चन ऑफ शिफ्ट 1 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप दिस वीडियो विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू फॉर आर अपकमिंग एग्जाम ऑफ DSSB। ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड ऑन लर्न एक्स नर्सिंग। थैंक यू।